प्लीज क्वाइट यू सेटल डाउन योर सेल्फ सेटल हो जाओ ताकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करेंगे। जो पीछे रह गए साथी वो भाई सेटल हो जाओ। जो है तो हमने जब ये सरकार बनी
उस समय ये बात कही थी कि वे हम इंतजार करेंगे, ये अपना वायदा पूरा करेंगे, हम उसका धन्यवाद भी करेंगे और महसूस करेंगे। दो साल का इनको समय दिया और नतीजा क्या हुआ, एक वायदा पूरा नहीं किया और हरियाणा 2.5 लाख करोड़ के करीब की तरफी दम गया, आर्थिक तौर पे वो हो गया। अब दो साल इनको दे दिए, अब इनसे ज्यादा मोहलत, इससे ज्यादा मोहलत इनको नहीं दे सकते हैं। तो इसी वास्ते हमने कार्यक्रम बनाया। कल हमारे विधायक दल की मीटिंग थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेला इकलौता विपक्षी दल है, बाकी जो है विभिन्न पार्टी से है, इंडिपेंडेंट है, वो तो सब सरकार के समर्थन में है, और कोई विधायक है नहीं, एक का वो इस्तीफा दे गया, विपक्ष में केवल कांग्रेस पार्टी। तो आपने जिम्मेवारी निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके जाएगा पूरे हरियाणा में, उसकी मैं आपको कार्यक्रम को बाद में बता दूंगा आपका, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, गरीब आदमी पे खर्चा बढ़ रहा है, अखबार में मैंने पढ़ा था 2000 रुपया प्रति माह रसोई खर्च बढ़ गया गरीब आदमी का, तो इस प्रकार से डीजल का है, हर वर्ग जो है महंगाई से परेशान है इस प्रकार, और किसान की तो बदहाली हुई हुई है, किसान और मजदूर की, तो मजदूरों को तो यहाँ तक है कि जो मनरेगा के 3 लाख के करीब मजदूर है, जो मनरेगा की मजदूरी करते हैं, उनको 2 महीने की अभी पेमेंट ही नहीं हुई, जबकि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट उनकी मजदूरी चली जानी चाहिए, 80 करोड़ रुपए के करीब बताया है। इसी प्रकार से किसान का नारायणगढ़ मिल का, शुगर मिल का, जो कि बंद कर दी इन्होंने, 105 करोड़ रुपया किसान का बकाया है, और धान की इतनी बदहाली हुई है कि PR 14 जिसका भाव जो है, आज कल मंडी से मैंने मंगाया, पता किया था 1581 पर क्विंटल बिका है, जबकि उसका MSP जो होगा वो 1980 है। सरकार लेना खरीद शुरू करी आगे थे, लेकिन मंडी में आया हुआ है, वहां तो लुटाई हो रही है किसान की। जब कभी कह देते हैं भाई धान की हम खरीद 25 सितंबर से करेंगे, अब कह रहे हैं 1 अक्टूबर से करेंगे, इतनी बारिश हो रही है, किसान की धान खेत में भी और मंडियों में भी बर्बाद हो रहा है, उसका कोई वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा, और जितनी ये बारिश जो है, आज भी बारिश है, पूरे हरियाणा में बहुत बारिश है, एक्सेस ऑफ रेन से जो जल भराव हुआ है खेतों में, सड़कों पे, शहरों में, उसकी कोई बस्तियों में कोई निकासी का वो नहीं, कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, सब चौक पड़ा मामला, और आवागमन और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है, और जो आपकी फसल है, जो कपास है, मूंग है, ग्वार है, बाजरा है, उनका बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, कपास तो बर्बाद ही हो गई, तो फौरन गिरदावरी करके उसका करें, और धान का खेत में भी जैसे नुकसान हो रहा है मंडियों में, उसकी तुरंत खरीद शुरू करनी चाहिए इनको। इसी प्रकार से आपका अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि CMIA की जो रिपोर्ट आई है वो 35.7 हाईएस्ट इन द कंट्री। अब ये कहते हैं उस रिपोर्ट को नहीं मानते, अरे 2019 में तो सब ये रिपोर्ट वैलिड थी, JJP का उनका बयान है, उस पर रिलाई किया, आज वो रिपोर्ट बदल गई, मतलब इस प्रकार से दोहरा स्टैंड कैसे है, जबकि CMIA की रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है,
रिलायबल न्यूज रिपोर्ट है, पूरा देश मानता है इसको, और ये नहीं है कि थोड़े से आदमी से किए, हर वर्ग की वो करके सर्वे करके जब उसकी रिपोर्ट आई है पूरा अखबार में उसका वो भी आया, मेरा भी आया, कितने आदमियों ने हरियाणा में सर्वे किया है, यानी ये सब पूरा अखबार में भी उसका आया है। इसी प्रकार से इन्होंने जैसे मैंने कहा जैसे फल और सब्जी, फल और सब्जी जो मंडी थी हमने मार्केट फीस भी माफ कर दी थी, इनने 2% फिर लगा दी। एक तरफ तो कह रहे हम मुआवजे देंगे 2% उसके ऊपर मार्केट फीस लगा दी, वहां के जो सब्जी मंडी के आरती हैं सब इस बात से परेशान हैं और महंगाई बढ़ाने का काम मतलब कर रहे हैं। पिछली बार जो मुद्दे उठे थे पेपर लीक के, आज खुलासा हुआ अखबार में थोड़े दिन पहले कि ये अब जब वो नहीं फरवरी 2020 में जो एलडीसी का हुआ था वो भी पेपर लीक हुआ, रेवाड़ी में एफआईआर दर्ज हुई है 10 से। इसका मायने क्या है, जब एक बात हमने कही है भाई ये सारी इंक्वायरी सीबीआई को दे दो, क्यों संकोच कर रही है सरकार सीबीआई को देने में, क्यों कहीं ना कहीं दाल में खड़ा है, किसको बचाना चाहते है सरकार, किसी ना किसी को संरक्षण दे रखा है या संरक्षण देना चाहती है, नहीं तो कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा गंभीर मामला है, लोगों के जो युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है। आप आज शहरों में जाओ सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो हर जिले में जाएंगे वो पूछेंगे, सबसे इन्वाइट करेंगे भाई कि आप किसी वहां जाओ शहर में बहुत सारे लोग मिलेंगे जी मैंने 8 लाख दे दिए, कोई 10 लाख, मतलब परचून की तरह नौकरियां की है। तो मैंने कहा ना लखी और करोड़ी पैदा कर दी सरकार ने, लखी करोड़ी लाख करोड़ से बात कमी नहीं, पेपर लीक के करोड़ और पेपर करेंगे लखी। फिर कहते पेपर लीक और नकल एक अलग चीज है, ये तो 2020 का पेपर लीक के बाद है, 2-3 दिन से फालतू पेपर लीक हो चुके हैं, कोई भी इनका पूरा हो नहीं पाता। इसी प्रकार से हमने लैंड एक्विजिशन के बारे में गवर्नर साहब को वो दिया था हमने, जो किसान विरोधी है, जो सेंट्रल एक्ट के भी विरोध है, विरोध में है, और किसी प्रदेश जो है पंजाब में या किसी ने नहीं किया, जो किसान जहाँ किसानों की सरकार है ये उनको उसको वापस देना चाहिए, इन्होंने लिया। इसी प्रकार से बीबीएमबी का अब तक कोई मेंबर ही नहीं बना हरियाणा का ये, और क्राइम रेट का, और इसी प्रकार से हमने मांग की थी जब असेंबली में कहा, सरकार ने आश्वासन दिया, पहले मैंने कहा कि कोरोना से ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, जब हमने मांग रखी तो हमारे उपकार हाई लेवल कमेटी बनाएंगे और उसकी जांच करेंगे, तो वो अब तक कमेटी नहीं बनी है, ये आपके सामने है। इसी प्रकार जो है सरकार के 2 साल में यही निष्कर्ष है कि सरकार विफल है, और हाँ क्राइम की जो है आप स्वयं देख सकते हैं, दूर जाने की जरूरत नहीं, पंजाब के साथ आप कंपेयर करें, मर्डर हमारे यहाँ 1143 हुए हैं, पंजाब में 757, पंजाब हमारी बड़ी स्टेट है, और आपकी डाउरी डेथ हमारे यहाँ 251 हुई है, पंजाब में 63। इसी प्रकार किडनैपिंग का 2949 हमारे यहाँ हुई है, 1399 पंजाब में हुई। रेप में तो रेप वो बन गया 1373 रेप केसेस हमारे यहाँ हुए, पंजाब में 502, मतलब 3 गुना पंजाब से ज्यादा। इसी प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे यहाँ 13,000 और पंजाब में कुल 4,838, मतलब 3 गुना। इसी प्रकार क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन यहाँ हमारे यहाँ 4,338 और पंजाब में 2,121,
क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी हमारे यहाँ 1210, पंजाब में 162, देयर इज नो कंपैरिजन। साइबर क्राइम हमारे यहाँ 656, पंजाब में 378, और इसमें क्राइम उसमें हरियाणा पूरे देश में चौथे नंबर पे है क्राइम रेट में, 41 पर लैक, मतलब एवरेज। इसी प्रकार 3 या 4 मर्डर रोज होते हैं। सेकंड पोजीशन है हरियाणा की मर्डर रेट में, हरियाणा पूरे देश में झारखंड के बाद हरियाणा है, मतलब 3.9% पर लैक। किडनैपिंग आदि आपको मैंने, किडनैपिंग और अबडक्शन में केसेस में हरियाणा पूरे देश में नंबर 2 पर है, 10 पर लैक के हिसाब से। और क्राइम अगेंस्ट वुमन में 3rd पोजीशन में है, मतलब पूरे देश में। और जो केसेस हैं आपकी थर्ड के, उसमें जो है हरियाणा नंबर 1 थर्ड के पूरे देश में। तो इस प्रकार से क्राइम रेट में हरियाणा में जो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ा है और कंट्रोल नहीं हो रहा, नॉन गवर्नेंस। और ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं। कल ही कैबिनेट ने फैसला किया, जो पहले हमने मांग रखी थी जुडिशियल इंक्वायरी की, सिटिंग या रिटायर्ड जज के उसमें जो करनाल में हुआ था, वो कल कैबिनेट ने फैसला किया है और उनको बनाया है मिस्टर अग्रवाल को, जो रिटायर्ड जज हैं, वो आई वेलकम दैट। लेकिन इट इज टू लेट, क्योंकि अब इस सरकार से कमीशन को तो सारी रिपोर्ट सरकार से चाहिए, और ये सरकार जो है हाई कोर्ट में जो इन्होंने दाखिल किया है जवाब दावा, उसमें सारा दोष किसानों पर रखा है। ये तो अपना स्टैंड दे चुकी सरकार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है 10 साल के, उसमें वो इस बात का ध्यान रखेंगे, सब इस सरकार को भरोसा। ये तो ऑलरेडी जो है दोष किसानों को दे चुकी है। तो ये जो मैंने कहा था विपक्ष आपके समक्ष की शुरुआत मैं करनाल से करूंगा, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी विधायक 10 तारीख को। और मेरा कार्यक्रम कोई ये नहीं है मीटिंग करी और भाषण दिए, वहां सभी साथियों से बात सुन रहे हैं, उनकी बात उनकी तकलीफ सुनने जा रहे हैं, ताकि हम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाएं, इस सरकार की विफलताओं को उजागर करें और अपने साथियों के साथ खड़े हों और बात करेंगे। और भी साथी जुड़ेंगे, वहां पूरा दिन मैं करनाल में रहूंगा, मैं और मेरे और भी विधायक काफी साथी वहां करनाल में रहेंगे, नए वहां साथियों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, पूरा दिन करनाल में रहेंगे। और इसी प्रकार से हर जिला हेडक्वार्टर पे जाऊंगा, तब उसके बाद जिला के होने के बाद विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम, और यही कही कल विधायक दल की बैठक में यही फैसला हुआ था। करनाल के बाद कहां का सब जिलों में जाएंगे, 22 के 22 जिलों में। वो तब तक करनाल का अनाउंस करके, वहीं से हम अनाउंस करेंगे, वहां करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लोगों की जो बात होगी, जो समस्या तकलीफ भी हम बताएंगे वहां पर, और जो आगे है वहीं से नेक्स्ट प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। है जी,
नहीं लोग आएंगे ना, वर्कर आएंगे हमारे, और भी कोई बात होगी लोगों की तकलीफ भी सुनेंगे, वर्कर आएंगे हमारे, हमारे साथी आएंगे। कितने दिन का रहेगा ये अभियान? कितने दिन का रहेगा? नहीं सारे दिनों में जाएंगे हम, दिन का तो अभी थोड़ा है, जैसे जैसे प्रोग्राम बनेगा। ये इसका स्वरूप मतलब एक प्रकार से रहेगा, जैसे आप यहाँ बैठे हैं खुले में बैठेंगे, कोई भी आदमी आए खुले में आए, खुले में खुले एक प्रकार से ये है कि जैसे पूरा दरबार लगता था, पूरा दिन में दरबार नहीं हमारे अपने, नहीं जैसे पूरा दरबार लगता था, इस समस्या हल करने का लोग इस समस्या अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलेंगे, और कोई समस्या है लोगों की वो भी सुनेंगे, ताकि हम जो अपना विपक्ष आपके समक्ष लेके जा रहे हैं ये कार्यक्रम, उनको बात सुनने के लिए ले जा रहे हैं, अपनी बात सुनाने के लिए नहीं, उनकी बात सुनेंगे और फिर मुद्दे उठाएंगे, जो मुद्दे तो मोटे मोटे तो बताए हैं, लेकिन लोकल लेवल क्या उनके मुद्दे हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि उनका कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ आज हरियाणा में, बिल्कुल भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। फील्ड में जा रहे हैं लेकिन कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बना है, कांग्रेस का संगठन बना नहीं है, जिला अध्यक्ष है नहीं, आप फील्ड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब भी जो हमारे को जिम्मेवारी दी है लोगों ने विपक्ष की, वो अब आपने निभाए, बन जाएगा संगठन भी बन जाएगा, कब तक उम्मीद है? जल्दी बनेंगे। ये करनाल में किस जगह होगा? करनाल में जगह कौन सी करनाल में होगा? मैं जो बता देंगे आपको, मैं जो मतलब जो हर पब्लिक प्लेस पे करेंगे, रेस्ट हाउस में या जहाँ पे ऐसा है, पुरानी जगह नए सीएम आ गए चले गए, और स्टेटों में भी तो हुए ना, बदलते रहते हैं भाई, तो कैप्टन साहब से पूछो, उनका तो उनके जवाब मैं थोड़ा दूंगा। अनिल विज ने भी आज सुबह ट्वीट किया, उसमें सिद्धू को एंटी नेशनल बताया, उन्होंने कहा कि ये एक षड्यंत्र किया गया, उनका जिस तरह से संपर्क है इमरान खान से और उनके जो भाजपा से, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में पंजाब और अनिल विज साहब से सबूत मांगो, बात करो जो उन्होंने कहा उनसे बात करो, मैंने तो नहीं कहा। सर 25 सितम्बर को हरियाणा सेकंड बोलो, 25 सितंबर को हरियाणा में जीतने की रैली होने जा रही है, चौटाला भी कई बड़े दिग्गज नेताओं को मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस रैली को किस नजरिए से देख रहे हैं? वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, जो काम है राजनीति में है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूँ तब अपने आप पर कर रहे हैं। ये हाइपोथेटिकल है, उसके बाद देखेंगे किसको देखेंगे भाई, वो ऐसा है जब राजनीति भूमि खत्म हो जाती है उसकी तलाश में आदमी प्रयास करते हैं, उनका काम और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा तो 26 को बात करें, आज तो भाई शहीदी दिवस है और रामकुला राम जी के नाम की वजह से 1857 का मनाया है, 1857 की जो पहली जो स्वतंत्र संग्राम हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, वो ऐतिहासिक बात है, और इसी वास्ते हमने फैसला किया था कि अंबाला में वो स्मारक बने, उसकी चिंगारी अंबाला से फटी थी सबसे पहले, उसके 10 घंटे के बाद मेरठ में गई थी, तो हरियाणा एक ऐतिहासिक है, महाभारत भी यही हुई और 1857 की जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई उसकी चिंगारी भी हरियाणा से फटी, हरियाणा में बहुत कुछ होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। आपके इलाके में भी एक बीजेपी की रैली हो रही है, राविंद्र जी सिंह की रैली कर रहे हैं, मेरा पूरा हरियाणा है तो उस तरह मैं इलाकों में नहीं बैठा हुआ भाई, मैं हरियाणा वासी, हरियाणा वासी। सर ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके आप हरियाणा की जनता के पास, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके हरियाणा की जनता के पास जा रहे हैं, अभी आपने कई आरोप लगाए कि नौकरियों की बंदर बांट हो रही है, रेट फिक्स किए जा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग की, सीएम को ये कहते हैं, जब भी सीएम जो मनोहर लाल जी है वो कहते हैं कि पहले फर्जी पर्ची की सरकार थी, हमारे आने पे बंद हो गई, वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं नहीं मेरे समय का को एक भी बताओ, इनके जो सबूत हुए
इनके तो एस एस बोर्ड के आदमी कार्य जो क्लर्क थे चेयरमैन सस्पेंड हुआ, तरुण पकड़े गए हमारे, उसमें कोई भी एक केस बताओ जिसमें कोई हुआ हो, ये तो एक बुद्धि थी अहिंगे हुआ। ये खर्ची पट्टी की बात करते थे कि उसमें दब तो था नहीं कोई, एक भी केस बताओ उसके तो केस बन रहे हैं, दायर हो रहे हैं, ये तो लखी करोड़ी हो गए भाई, ये लखी करोड़ी पैदा कर दी इन्हें। हाँ, और तो मैंने असेंबली में भी कहा, ठीक है, और कोई सवाल है? धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। नहीं तो मैं सोच रहा था आज बड़े भारी हमले होने वाले हैं। की बात नहीं है, सभी साथियों से चाहे कुछ कहा, हमले की बात यह है कि जब आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, बहुत सारे अखबार में छापा गया, कैप्टन को हटा दिया, पंजाब के बड़ा इंपैक्ट पड़ गया, तो बूढ़ा साहब ने फटाफट अपनी एमएलए की मीटिंग बुला ली, ये तो पहले ही छापा है, हमने नहीं छापा, लेकिन कुछ लोगों ने छापा, अभी कुछ छापे दो तो आप लोग भी कर दिए, लेकिन मीटिंग जो है पहले से फिक्स थी, और ये पंजाब में हुआ बाद में, तो पहले से तय थी, पहले भी होती रही है। ये एक और सवाल है, 15 सितंबर को आपका जन्मदिन था, पंजाब में अभी सीएम बन रहा है कांग्रेस पार्टी ने, उस पोस्टर में आपका छप रहा है कि हरियाणा के अगले सीएम, 3 साल पहले ही पार्टी ने तय कर दिया है कि अगले सीएम, 3 साल पहले ही पार्टी ने तय कर दिया है कि आप अगले सीएम होने जा रहे हैं, पार्टी नहीं लोग तय करते, नहीं पोस्टर तो छप रहे हैं आपके समर्थकों के, पोस्टर तो पता नहीं क्या पोस्टर कार्यकर्ता छात्र की जो जो जिसकी मन भावना हो उस हिसाब से छात्र। तो उसमें क्या आप छपाओ मुख्यमंत्री को रोकेगा, आप छपा लो, कल अपनी फोटो लगा के अगला सीएम आप अपना नाम लगा के छपा लो, कोई नहीं उतराज करेगा, अखबार वालों ने आपने उसका हिसाब किताब देना है, छाप देना ये सर गुजरात में जो छाप देने अखबार गुजरात में सीएम बदले हैं, गुजरात में तो मनोहर लाल जी को भी बदलने की बात चल गई थी, मेरे को मानो उनके अंदर नहीं होगा दूसरी पार्टी का साहब, अभी आपने कहा कि लोग सीएम तय करते हैं पार्टी नहीं करती है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पंजाब में जो घटना हुई लोगों का नुमाइंदा कौन होता है, लोग किसके तुलने भेजते हैं, एमएलए को तुलने भेजते हैं, एमएलए फैसला करते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से चयन होता है, तभी जाता है एक ही वाला एक काम है, वो कई मंत्री